माई नेम इज़ प्रोफेसर नीति जोशी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आई होप आप सब स्वस्थ है और बहुत बहुत मस्त है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देती हूँ माई डियर स्टूडेंट्स आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड अ कॉमर्स ग्रेजुएट ऑफकोर्स एंड योर प्रोफेसर फॉर द ब्रांड न्यू सब्जेक्ट बिजनेस एटिकेट्स एंड कॉरपोरेट ग्रूमिंग डोरिंग आवर से we are going to understand lots of new concepts together

सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हम हैं तो कॉमर्स स्टूडेंट्स जी हाँ बिल्कुल हम हैं तो कॉमर्स स्टूडेंट्स लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा मतलब हमें बिजनेस और एटिकेट्स के बारे में बता दीजिए डिटेल में तो हम फ्यूचर में पढ़ने ही वाले हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स बिजनेस क्या होता है बिजनेस क्या होता है बिजनेस एज सिंपल एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट जी हाँ सुबह से लेके रात तक का आप एज एन इंडिविजुअल कितने सारे गुड्स एंड कितने सारे सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं अगर किसी ने आपको वो सर्विसेज अगर नहीं सेल किया होता या वो गुड्स किसी ने आपको नहीं प्रोवाइड किया होता तो क्या आप वो गुड्स एंड वो सर्विसेज इस्तेमाल कर पाते जी नहीं बिल्कुल नहीं कोई भी इकोनॉमी माइंड यू माय डियर स्टूडेंट्स माय डियर ब्यूटिफुल कॉमर्स स्टूडेंट्स कोई भी कोई भी कंट्री इकोनॉमी बिजनेस के बिना नहीं चल सकती हम यानी कि एंड यूजर्स हमारे पास जो भी गुड्स एंड जो भी सर्विसेज आते हैं वो कहीं कही ना कहीं कही कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेसमैन ने प्रोवाइड किए होंगे नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड बिजनेस आई मीन कंटिन्यूस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मैडम आपके कहने का मतलब क्या है कंटिन्यूस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मान लीजिए आप एक घर के मालिक है या आपके पेरेंट्स के पास अपना एक घर है आपने रीसेंट इन द रीसेंट आई मीन इन रीसेंट वेरी रिसेंटली आपने डिसाइड किया है कि आपको अपना रेसिडेंस चेंज करना है जी हाँ मैम हमें हमारा रेसिडेंस चेंज करना है और आप जहाँ अभी रह रहे, रहे हैं आपको वो रेसिडेंस अपना सेल करना है आपने सेल किया आपके पेरेंट्स ने बहुत पहले ख़रीदा था और अभी बेच रहे तो उन्होंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया क्या हम ये प्रॉफिट को बिजनेस कहेंगे जी नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं ये बिज़नेस नहीं है बिज़नेस का एक बहुत ही अंडरलाइनिंग फैक्टर है जो है बिजनेस हैज़ टू तो बी ऑन कंटिन्यूस बेसिस एक वन टाइम ट्रांजैक्शन वन टाइम थिंग एक बार की हुई चीज़ को हम बिजनेस नहीं कह सकते एक बारी कोई चीज़ हुई उसे हम बिजनेस उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं ये इन ऑर्डर फॉर इट टू बी अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हियर इन ऑर्डर फॉर इट टू बी अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट हैज टू बी ऑन कंटिन्यूस बेसिस इट हैज टू बी ऑन कंटिन्यूस बेसिस ऑफकोर्स फॉर द प्रॉफिट छोटे से छोटा ग्रोशरी स्टोर आपके अपार्टमेंट के नजदीक या बड़े से बड़ा डी मार्ट या बिग बाजार आपके एरिया के आसपास ये भी बिजनेस है वो भी बिजनेस है कैसे भी टाइप का बिजनेस हो प्रॉफिट अगर वो कमाता है तो अफकोर्स उसे हम बिजनेस कहेंगे अभी बिजनेस का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं यस मैडम हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं हमें तो बिजनेस बहुत अच्छे से पता है अब बात करते हैं एटिकेट्स के बारे में ये दिस इज समथिंग न्यू डियर स्टूडेंट्स वॉट इज एटिकेट्स एटिकेट्स इज माई सोशल बिहेवियर

एटिकेट्स क्या होता है एटिकेट्स इज़ अ सेट ऑफ रूल्स मैडम आप बहुत इंग्लिश में बोल रहे हो बच्चों I completely understand हम English और Hindi दोनों में बात करेंगे लेकिन ultimately आपको answers English में ही लिखना है हम यही कोशिश करेंगे कि हम concept reading इतना अच्छे से करें कि exam में लिखते समय हमें खुद ब खुद चीज़ें याद आ जाए हमें खुद बखु चीज़ें याद आ जाए जी बिल्कुल माई डियर स्टूडेंट्स इसमें आपको समझना है एटिकेट्स यानी किसी और व्यक्ति के सामने

हम तो अपनी चैप्टर की शुरुआत करने ही जा रहे हैं बहुत सारी चीजें सीखेंगे बिल्कुल घबराना नहीं है बिल्कुल डरना नहीं है बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर शुरू करते हैं बिजनेस एटिकेट्स शुरू करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एटिकेट्स नाउ बिजनेस एटिकेट्स एटिकेट रेफर्स टू बिजनेस एटिकेट्स रेफर्स टू कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर कस्टमरी कस्टमरी पहले से जो चलता आ रहा है या डिपेंड करता है कौन से जगह पे आप जा रहे हो ऐसे टाइप का बिहेवियर बिहेवियर कैसा बिहेवियर पोलाइट बिहेवियर इन बिजनेस सेटिंग्स विच गवर्न्स इंटरक्शन कम्युनिकेशन जो इंटरक्शन कम्युनिकेशन आप करते हैं एंड रिलेशनशिप्स एंड रिलेशनशिप्स अमंग एम्प्लॉयिज क्लाइंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स ओके वन सेकेंड वेट हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है बिजनेस एटिकेट्स तो हम यानी कि जो आपका नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है आपके ऑथर्स है आपके टीचर्स है आपके प्रोफेसर्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी है आपकी कॉलेज है हम सब कोशिश करेंगे कि हम आप जब एक्चुअल में अपना करियर स्टार्ट करें तब आप जो या तो आप अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन है सी वंस यू आर डन विथ योर ग्रेजुएशन आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप खुद अपना एक बिजनेस सेटअप करें अपना बिजनेस स्टार्ट करें या आप एग्जिस्टिंग किसी बिजनेस के साथ यू स्टार्ट वर्किंग विद देम एज दे आर आपके पास दो ऑप्शन है दोनों केस में आप ऑप्शन ए सिलेक्ट करें अपने करियर के लिए या ऑप्शन बी सिलेक्ट करें दोनों केस में आपको बिजनेस एटिकेट्स तो आना ही चाहिए अदरवाइज इसके बिना कोई ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी आपको ग्रोथ तो चाहिए अगर आपने अपनी जॉब टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ सैलरी से स्टार्ट किए तो क्या आपको लाइफ टाइम सिर्फ टेन थाउजेंड रुपीज कमाना है नहीं मैम मेरा तो सपना है मैम मुझे तो तीस साल में अपना घर अपनी गाड़ी अपना बंगला सब बनाना है जी हाँ बिल्कुल ये अगर आपको करना है तो आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी अफकोर्स कॉन्सेप्ट अकेडमिकली तो आपको सब सीखना ही है लेकिन प्रैक्टिकली आप पहले सीखी हुई चीजें अप्लाई कैसे करेंगे प्रैक्टिकली पहले सीखी हुई चीज़ें आप अप्लाई कैसे करेंगे ये भी तो समझना है डियर स्टूडेंट्स तो वैसे ही बिजनेस में जो आपको सिखाने जा रहे हैं हम एटिकेट्स वो आपको काम आएंगे रिलेशनशिप बनाने के लिए किसके साथ आपके फेलो कॉलीग के साथ अच्छा अगर आप ओनर है अगर आपने खुद ने बिज़नेस की शुरुआत की है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को वो जो स्टाफ आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आप व्यवहार कैसे करेंगे आप उनके साथ बिहेव कैसे करेंगे उनके सामने कौन सी मैनर्स दिखाएंगे ये है एम्प्लॉयज़ के साथ और क्लाइंट्स के साथ अगर आप ऑफकोर्स बिज़नेस चला रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स होंगे आपके कस्टमर्स होंगे अदरवाइज तो बिज़नेस का मतलब ही क्या है अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स होंगे अगर आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे तो आपके कस्टमर्स हो उनके साथ भी आपको अपना रिलेशन उनके साथ भी रिलेशन कैसे मेंटेन करना है ये भी आपको ये सब्जेक्ट सिखाएगा बात करते हैं अदर स्टेक होल्डर्स की वो सारे लोग समझ गए वो सारे लोग जो आपके बिजनेस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपका खुद का बिजनेस हो आप किसी और के बिजनेस में काम कर रहे हो वो सारे लोग जिनका कहीं ना कहीं ये आपके इंटरेस्ट उनसे जुड़ा है वो स्टेक होल्डर्स के साथ भी आप व्यवहार कैसे करेंगे वो भी आपको ये सब्जेक्ट सिखाएगा डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं डेफिनेशन की वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक बड़ा सा तारा यानी कि एक बड़ा सा स्टार मार्क इसको कर दीजिए हमारे नए सब्जेक्ट के नए चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज माय डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एटिकेट्स बाय रेप्यूटेड ऑथर्स एंड एक्सपर्ट्स पूरे विश्व में पूरे दुनिया में अपने देश में भी ऑफकोर्स जितने भी स्कॉलर्स है जितने भी ऑथर्स है जिन जिनको लगा एटिकेट्स का मतलब ये होना चाहिए या एटिकेट्स का मतलब ये उन्होंने अपने अपने डेफिनेशन दिए हैं ये डेफिनेशन हम सब पढ़ेंगे मैडम आप तो बराबर बोल रहे हो डेफिनेशन तो हम सब पढ़ेंगे हमने तो एक तारा भी बना लिया यहाँ पे क्या हमें ये सब डेफिनेशन एग्जाम में लिखने हैं और अगर लिखने हैं तो सब याद होंगे पहली बात बच्चों डेफिनेशन जो आप पढ़ने जा रहे हो ना वो आपको समझना है बिल्कुल आपके सिलेबस में है आपको समझना ही है पर अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको सारे डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं समझना सब है हम समझेंगे सब लेकिन याद आपको वो डेफिनेशन करना है जो आपके हिसाब से इजी है और आपके हिसाब से एक्यूरेट है क्या होगा ना बच्चों जब आप अभी आप बी कॉम अभी आप डिग्री कॉलेज में आ चुके हो एक्सपेक्टेशन FI हमारी ऑलरेडी बढ़ चुकी है आपसे हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है आप अपनी एग्जाम में कैसे लिखते हैं इससे हमको पता चलेगा कि आपकी मचरिटी लेवल कहाँ तक आई है तो उसी हिसाब से जब आप एग्जाम में अपने आंसर्स कोट करेंगे आप इंट्रोडक्शन देंगे आपको जो भी सवाल पूछा गया है उस सवाल के बारे में आंसर्स में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे उस इंट्रोडक्शन के बाद आपको डेफिनेशन कोट करना ही है आपका आंसर इतना अच्छा लगेगा इतना ब्यूटीफुल लगेगा पता चलेगा कि बच्चे ने मेहनत की है बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही है इसीलिए हम डेफिनेशन पढ़ रहे पढ़ेंगे हम सब याद करेंगे हम वो जो हमें सबसे आसान लगे ट्राई करेंगे द तो फर्स्ट डेफिनेशन बाय एमिली पोस्ट द तो फर्स्ट डेफिनेशन बाय एमिली पोस्ट नाउ एमिली पोस्ट इज़ एन ऑथर ऑन एटिकेट्स अच्छा मैडम हमारा एक क्वेश्चन है सुनिए ना अगर हम आंसर्स आंसर्स में हमारे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो चलेगा क्या मैडम क्योंकि ये जो एटिकेट वर्ड है ना वो खुद ही बहुत डिफिकल्ट नहीं माय डियर स्टूडेंट्स नो एब्सोल्युटली नॉट एक्सपेक्टेड इसीलिए ये जो वर्ड एटिकेट है इस इन ये जो आपका सिलेबस है इसकी सारी चीज़ों का स्पेलिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए दैट इज़ वेर मिनिमम वॉट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड डिफाइन बिजनेस एटिकेट्स एज डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होता है और डेफिनेशन किसने लिखा है एमली पोस्ट ने वॉट इज द डेफिनेशन द रूल्स दैट गवन एवरी वन बिहेवियर एक ऐसा कानून है एक ऐसा रूल है जिससे सारे लोगों का बिहेवियर है ना बिहेवियर वो गवर्न होगा वो जज होगा कहाँ इन वर्क प्लेस आप जो भी जगह पे काम कर रहे हो आप जहाँ भी काम कर रहे हो उसमें आपका जो बिहेवियर है ना बिहेवियर उसके बारे में जो सब रूल्स दिए गए हैं वो गवर्न करता है एंड विच हेल्प टू क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ रिस्पेक्ट एंड कर्टसी अमंग एम्प्लॉयज एंड विथ द कस्टमर्स एंड द क्लाइंट्स माय डियर स्टूडेंट्स एटिकेट्स आपको समझाएगा कि आपके आप आप पे से हमें एक्सपेक्टेशन क्या है और हम एक्सेप्ट क्या क्या करेंगे यानी जब आप एक्चुअली काम करना शुरू करेंगे वर्क प्लेस जहाँ पे आप अपना करियर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपका बिहेवियर क्या होगा वो बिहेवियर से पता चलेगा कि क्या आपका बिहेवियर एज पर रूल्स था क्या आपके एटिकेट्स थे क्या आपके पास मैनर्स थी और ये आप किसके साथ ऐसे बिहेव करोगे अच्छा और ऐसा एटमोसफियर बनाओगे अपना वर्क कल्चर अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो उसका एटमोसफियर क्या रिस्पेक्टफुल है क्या आप सबको रिस्पेक्ट करते हो क्या आप सबकी तरफ कर्टियस हो क्या आप सबको हेल्प करते हो अमंग एम्प्लॉइज क्या एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ अच्छे हैं? क्या एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं एंड विथ कस्टमर्स एंड विथ क्लाइंट्स एम्प्लॉयज के साथ तो अच्छे से रहना ही है कस्टमर्स के साथ भी अच्छे से बिहेव करना है और डेफिनेटली क्लाइंट्स के साथ भी अच्छे से रहना है मैडम कोई एक बात बताइए ये जो कस्टमर्स है ये जो क्लाइंट्स हैं ये हम हम इनके साथ अच्छे से बिहेव क्यों करें बच्चों, योर बिजनेस इज गोइंग टू रन बिकॉज ऑफ दीज पीपल

किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप और आपके साथ और तीन चार जन नए ऑल ट्रेनिज आप सब ने साथ में ये कंपनी ज्वाइन किया है लेकिन आप और और एक जन आपके साथ जो ज्वाइन किया है वो उनको और आपको बिल्कुल नहीं जमता यू बोथ के नॉट गेट अलोंग आपको एक दूसरे से बिल्कुल आप बात नहीं करते हो आप बिल्कुल फ्रेंडली नहीं हो यू ऑल डोंट रिस्पेक्ट इज अदर ये भी नहीं चलेगा आप अपने सीनियर्स अपने जूनियर्स अपने कॉलिग्स अपने सारे अपने कस्टमर्स अपने क्लाइंट्स अपने स्टेक होल्डर्स आपको सबको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है अगर आपको वो कंपनी में टिके रहना है तो अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू पी एम फोनी नाउ पी एम फोनी इन हिज बुक चूजिंग सिविलिटी इसमें क्या कहते हैं द ट्वेंटी फाइव रूल्स ऑफ कंसिडरेट कंडक्ट इस ये बुक है अच्छा भाई देवे ये जो है वो बुक है उनकी ये पूरा नाम है बुक का चूजिंग सिविलिटी द ट्वेंटी फाइव रूल्स ऑफ कंसिडरेट कंडक्ट डिस्क्राइब्स द बिजनेस एटिकेट्स एज उन्होंने कैसे बताया है उन्होंने कैसे दर्शाया है बिजनेस एटिकेट्स को अट ऑफ अनिटर्न रूल अंडरलाइन एक ऐसा कानून है यानी कि ऐसे रूल्स है ऐसे रेगुलेशन है जो कहीं पे लिखे नहीं गए हैं। इट इज़ अनरिटन वो कहीं पे लिखे नहीं गए हैं।

एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स इसका मतलब क्या होता है मान लीजिए मैं एक कंपनी चला रही हूँ मान लीजिए मैं एक कंपनी चला रही हूँ मैं एक बॉस हूँ ठीक है मैं जो बॉस हूँ वो मैं थोड़ी सी वैसे स्ट्रिक्ट हूँ मैं एक एग्जाम्पल है मैं बॉस हूँ और मैं वैसे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ तो इसमें मैं क्या करती हूँ मेरे जो भी एम्प्लॉइज हैं ना मेरे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं मेरे मेरे कंपनी में 200 सौ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं मेरे कंपनी में 200 सौ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसमें से एक एम्प्लॉय जो है उसका मुझे सुबह मैसेज आता है कि मैडम आई एम नॉट कीपिंग वेल मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं आज लेट आऊँगा अभी सिंस ये जो बॉस है ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है उसे लगता है कि ये जो जन बोल रहे हैं ना ये जो एम्प्लॉय का मैसेज आया वो झूठ बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है इसी की वजह से जब वो मेरे कंपनी में लेट आता है या जो भी नहीं आता है अगले दिन अगर वो आता है या सेम डे वो लेट आता है तो मैं उसको चिल्ला देती हूँ और जब मैं फैक्ट फाइंडिंग करती तब मुझे पता चलता है कि वो ही वॉज रियली अनवेल सो माई डियर स्टूडेंट्स कहने का मतलब ऐसा था यू हैव टू ट्रीट एवरी वन विथ रिस्पेक्ट और अच्छा इसी एग्जाम्पल को रिवर्स ले लें जान के अगर कोई एम्प्लॉई जान मुझके कोई एक बार किसी ने किया चलो समझ में आता है दैट दैट पर्सन रियली मस्ट बी अनवेल दूसरी बार किसी ने किया थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम अब हमें पता चल गया कि वो इंसान झूठ बोलता है नाउ i have to take a strict action again and again i cannot be kind and respectful towards that person but in the initial time in the initial days you have to understand and you have to give benefit of the doubt kindness and consideration for others this is also a very nice definition understand according to barbara patcher according to barbara patcher an author and expert ये भी एक ऑथर है एक्सपर्ट है ऑन बिजनेस एटिकेट्स डिफाइन्स एज इट इट एज द रूल्स अच्छा क्या है अगेन द वर्ड रूल्स पे फोकस किया गया है रूल्स यानी कानून ऑफ कंडक्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट डिक्टेट जो आपको बताएगा जो आपको डिक्टेट करेगा हाउ पीपल शुड एक्ट व्हेन दे आर इन बिजनेस एनवायरमेंट When they are in business environment, अगर आप किसी बड़े से ऑर्गेनाइजेशन का part है और आप बहुत बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का part है और वहाँ पर rule है कि हम सब एक दूसरे को एक दूसरे के साथ बहुत ही professionally बात करेंगे आप एक दिन आते हो अपने ऑफिस में और आप बहुत गु़स्से में हो आके आपने अपने कॉलिग पे इतना चिल्ला दिया कि पूछो मत दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल आप ऐसा नहीं कर सकते आप कंपनी में काम करते हो आपसे प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्टेड है आप कैसे बर्ताव करते हो इससे पता चलता है कि आपको कितना कुछ आता है आप में कितनी मैनर्स है और आप क्या क्या कर सकते हो अगेन इट इनकम्पास एवरी थिंग फ्रॉम प्रॉपर ड्रेस अच्छा मैडम प्रॉपरली ड्रेस करना ज़रूरी है जी बिल्कुल आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन पक्का 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 समझ लीजिए आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपके ड्रेसिंग स्टाइल पे डिपेंड करती है आप कैसे वॉक करते हो आप कैसे बैठते हो आप कैसे देखते हो आपके हैंड मूवमेंट्स आपके फेसियल एक्सप्रेशन द वे यू स्टैंड द वे यू वॉक द वे यू टॉक द वे यू ड्रेस द वे यू लुक एव द वे यू ड्रेस एवरी थिंग एवरी थिंग माई डियर स्टूडेंट्स आप कैसे रहते हो आपका प्रॉपर ड्रेस कोड और आपका लैंग्वेज इन गुड मैनर्स अगर आप फॉलो करते हो तो एंड द अबिलिटी टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स जी हाँ मान लीजिए मान लीजिए मैं एक अच्छे पोजीशन में आप मान लीजिए आप एक अच्छे पोजीशन में एक कंपनी में काम करते हैं एग्जांपल लेते हैं एक है एक हो ये आप मिस्टर ए एक है आपके दोस्त मिस्टर बी ठीक है बहुत ही अच्छा है ये कंपनी में आप दोनों सेम पोजीशन में हो और करेंटली यू आर अर्निंग वन लाख रुपीस पर मंथ जी हाँ यू आर अर्निंग वन लाख रुपीस पर मंथ अभी मैं मिस्टर ए और मिस्टर बी में कंपेयर करूँ अगर मैं मिस्टर ए और मिस्टर बी में कंपेयर करूं मिस्टर ए इज़ वेरी पोलाइट वेरी कॉर्टियस आप इमेजिन करो बच्चों जितना ज़्यादा इमेजिनेशन बनाओगे अपने दिमाग में उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगेगी एक है मिस्टर ए एक है मिस्टर बी मिस्टर ए और मिस्टर बी सेम पोजीशन में है दोनों एक एक लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं यानी बारह लाख रुपये पैकेज मतलब डेफिनेटली अच्छे पोजिशन में है मिस्टर ए आकेश सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं इवन द वॉचमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ट्रीट करते हैं क्लर्क है स्टाफ मेंबर्स है, है सबको अच्छे से ट्रीट करते हैं अंडर लिंक्स है कॉलीग्स है ट्रेनीज है बॉस है क्लाइंट्स है, है सबको अच्छे से ट्रीट करते हैं और एक है मिस्टर बी जो पूरा टाइम सबको गुस्से में ट्रीट करते हैं किसी से सही से बात नहीं करते किसी से कुछ भी सोल्यूशन किसी को देते नहीं सी मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया आप तो ये दो जन को जानते तक नहीं है तो भी आपको ऑटोमेटिकली मन ही मन में मिस्टर ए अच्छे लगने लगे बिकॉज ऑफ मिस्टर एज बिहेवियर आपको तो आप तो दोनों जन को जानते तक नहीं है दोनों का क्वालिफिकेशन तक आपको नहीं पता है लेकिन आप इमेजिन कीजिए अगर आपके साथ कोई अच्छे से बिहेव करेगा इफ यू रियली रियली वेल यू विल लाइक दैट पर्सन राइट right? और अल्टीमेटली हम ऑर्गेनाइजेशन में जितना रिस्पेक्टफुल एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे उतने लोग खुश होंगे और खुशी से उतने ही वो लोग कंटेंट होंगे और कंटेंट से वो लोग इतना ही हार्ड वर्क हमारे कंपनी के लिए करेंगे आपको सबको अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है माय डियर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू जीव डिथ अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू

बट मैडम एक गड़बड़ हो गई मैंने एक गलती कर दी क्या गलती कर दी मैंने इनके नाम के जगह पे मैंने किसी और का नाम लिख दिया डेफिनेशन यही लिखा है डेफिनेशन यही लिखा है नाम यानी कि ऑथर किसी और का नाम लिख दिया माय डियर स्टूडेंट्स इट विल गिव यू नो मार्क्स ये यहाँ पे आपको यही आंसर में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि आपने गलत चीज़ ही गलत बना दी है इसीलिए जो भी डेफिनेशन आप याद करते हो नॉट ओनली इन दिस चैप्टर इन ऑल द एंड नॉट ओनली इन दिस सब्जेक्ट इन ऑल द सब्जेक्ट आप जो भी आंसर्स याद करते हो ना बच्चों वो आंसर में मेक श्योर sure आप डेफिनेशन में गूफ ना करें अंडरस्टैंड द नेक्स्ट डेफिनेशन डिफाइंस बिजनेस एथिक्स एज स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर The standard of behavior that ensures mutual respect and consideration. अगर आपने नया नया किसी ऑर्गेनाइजेशन में as a trainee जॉब स्टार्ट किया है ये बहुत बेसिक चीज़ है कि आप every day जब आओ आप अपने बॉस को गुड मॉर्निंग सर कहो आपके बॉस सामने आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग दिस इज द मोस्ट बेसिक मैनर्स यू कैन हैव अगर आप कहीं पे अपना जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो इतनी चीजें तो एक्सपेक्टेड होगी ही होगी अंडरस्टैंड इट हैज टू बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दोनों तरफ से मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ अगर आप ट्रेनी है अगर आप जस्ट आपने जॉब स्टार्ट किया तो आप अपने बॉसेज को रिस्पेक्ट देते रहेंगे देते रहेंगे नहीं नहीं इट इज म्यूचुअल आप भी उनको रिस्पेक्ट देंगे वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे अंडरस्टैंड एंड कंसिडरेशन अमंग बिजनेस एसोशिएट्स बिजनेस में जो कॉलिग्स हैं उनके साथ भी रिस्पेक्ट होना चाहिए इट अंडरस्टैंड इट इज द आर्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग इट इज द आर्ट एटीकेट्स एक आर्ट है जो आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो क्योंकि एज रिस्पेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटरेस्ट इन अदर्स अगर सच में आपका कोई क्लाइंट आपको फोन करता है अगर सच्ची में आपका कोई क्लाइंट आपको फोन करता है कि मैंने तो सो एंड सो प्रोडक्ट मंगवाया था गलत प्रोडक्ट क्यों भेज दिया मुझे मैं कैसे अपना बिजनेस एक्सेट्रा 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 ऐसी कोई प्रॉब्लम्स लेके आपके क्लाइंट आपके कस्टमर्स आपके पास आते हैं आपको सल्यूशन देना सबसे पहले तो आपको सिचुएशन काम डाउन करनी है आपको सल्यूशन देना है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको रिस्पेक्ट देना है कुछ भी हो जाए गलती उनकी हो गलती आपकी हो ऑर्गेनाइजेशन में अपने करियर्स में अपने बिजनेस में अपने कंपनी में आपको सबके साथ विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट रहना ही है एंड मेकिंग अदर्स फील कंफर्टेबल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो लाइन है ना बच्चों ये लाइन ना आपके लाइफ का मंत्र बना दीजिए मेक अदर्स फील कंफर्टेबल द मोर कंफर्टेबल योर पीपल योर एम्प्लॉइज आर विथ यू और इवन योर बॉसेज आर विध यू दे ट्रस्ट यू मोर एंड द मोर दे ट्रस्ट यू द मोर यू विल ग्रो इसीलिए ऑलवेज बी केयरफुल दैट आप किसी को इंटरमीडिएट ना करें आप सबको कंफर्टेबल फील करवाए अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू लाइडिया रैम से या क्या कहती है लाइडिया रैम क्या कहती है लाइडिया रैम इन मैनर्स दैट सेल एडिंग द पॉलिश

जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपसे कौन सा बिहेवियर एक्सपेक्टेड है अगर आपको रोज आपके क्लाइंट्स फोन करके कह रहे हैं कि मेरे काम में ये मिस्टेक है इसको क्लियर कीजिए और आप सुनते ही नहीं है उनका जवाब देते ही नहीं ये दिस इज नॉट फेयर जो भी है आपको अपफ्रंट रहना है आपको सही रहना है और आपको फेयर रहना है इट इनवॉल्व रिस्पेक्ट इट इन्वॉल्व्स रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ऑनेस्टी एंड थाटफुल कम्युनिकेशन योर कम्युनिकेशन इन योर वर्क प्लेस के नॉट बी रबिश योर कम्युनिकेशन इन योर वर्क प्लेस हैज़ टू बी थाटफुल कुछ ना कुछ काम कुछ ना कुछ मीनिंग आपके कॉन्वर्सेशं में से आना चाहिए ओके माईडियर स्टूडेंट्स हमने कोशिश की कि हो सके उतने डेफिनेशन हम पढ़े हमने ऑलमोस्ट जी हाँ हमने सारे डेफिनेशन कवर कर लिए हैं अभी आपको एज़ पर योर चॉइस कौन से डेफिनेशन अच्छे लगे हैं आपके हिसाब से सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन मतलब कौन सा डेफिनेशन समझा रहा है डिसाइड फॉर योर सेल्फ़ एंड आंसर फॉर योर सेल्फ याद करना है सही डेफिनेशन याद करना है ऑथर का नाम सही याद करना है और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ओके माई डियर स्टूडेंट्स आगे का कॉन्सेप्ट हम इसमें नहीं कंटिन्यू करेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो आई होप यू मेक द मोस्ट आर्ट ऑफ दीज लेक्चर्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अर वीडियोज दिस इज प्रोफेसर नीति दोशी साइनिंग ऑफ थैंक यू